क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग आसानी से सौभाग्य को आकर्षित करते हैं, जबकि बाकी लोग लगातार संघर्ष करते रहते हैं? क्या ये सिर्फ भाग्य या संयोग की बात है? आप कल्पना कीजिए, यदि आप चाहें तो ये ब्रह्मांड आपकी तरफ भी अनंत सौभाग्य को आकर्षित करके ला सकता है, क्योंकि ब्रह्मांड अनंत संभावनाओं का एक विशाल महासागर है जो कुछ ऐसे कानूनों या नियमों द्वारा चलता है जो अनदेखे हैं। इन्हीं नियमों में से एक नियम है आकर्षण का नियम। इसके अनुसार हमारे विचार और भावनाएं एक फ्रीक्वेंसी को जन्म देती हैं, एक ही प्रकार के अनुभवों को हमारी ओर खींचती हैं। अगर सीधे शब्दों में कहें तो सकारात्मकता सकारात्मकता को ही आकर्षित करती है। ये सिर्फ एक इंस्पिरेशनल वाक्य बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये एक यूनिवर्सल सत्य है। हमारे इच्छाओं के साथ हमारे विचारों और भावनाओं को अलाइन करने से ब्रह्मांड के साथ रेजोनेट करने की अनुमति मिलती है। अब सवाल ये बन जाता है कि जो अनुभव हम चाहते हैं उन्हें आकर्षित करने के लिए हमें खुद को कैसे ट्यून करना है। अगर आप भी जानने के लिए उत्सुक हैं तो इस वीडियो में एंड तक मेरे साथ बने रहें, क्योंकि ये वीडियो आपके इस नियम से जुड़े सारे डाउट्स को दूर करने वाला है। इस कॉन्सेप्ट को स्पष्ट करने के लिए हम देखते हैं दुनिया के सबसे महान आविष्कारकों में से एक थॉमस एडिसन की कहानी। थॉमस एडिसन को प्रकाश बल्ब के आविष्कार के लिए जाना जाता है। एडिसन दृढ़ता के प्रतीक थे। उनका रास्ता बाधाओं से भरा हुआ था। उन्होंने कभी भी विफलता को उन्हें डिगाने की अनुमति नहीं दी। प्रकाश बल्ब का आविष्कार करना एक यात्रा थी। वे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने से पहले 1000 से अधिक बार असफल हुए। हैरानी की बात यह है कि उन्होंने इन प्रयासों को विफलताओं के रूप में नहीं बल्कि सबक के रूप में माना। एडिसन का एक प्रसिद्ध कोट है, मैं असफल नहीं हुआ हूँ, मैंने सिर्फ 10,000 तरीके खोजे हैं जो कि काम नहीं करेंगे। यह दर्शाता है कि असफलताओं के प्रति उनका आशावादी रवैया था। उनकी दृष्टि में दृढ़ विश्वास और उनकी महत्वाकांक्षा उनकी सफलता के स्तंभ थे। ये लक्षण ब्रह्मांड के साथ गूंजते थे और उनकी विजय का मार्ग प्रशस्त करते थे। एडिसन की कहानी एक अटूट विश्वास की शक्ति का उदाहरण है। उनकी सफलता कोई संयोग नहीं थी बल्कि ब्रह्मांड के साथ उनके अलाइनमेंट का प्रत्यक्ष प्रमाण थी। अब जब आपने ब्रह्मांड के साथ अलाइनमेंट की शक्ति देखी है तो आप आश्चर्यचकित हो सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि अपने लिए इस शक्ति का उपयोग कैसे कर सकते हैं। सकारात्मक विचारों को बढ़ावा देकर इसे शुरू करें। ब्रह्मांड आपकी भावनाओं का जवाब देता है, इसीलिए सकारात्मकता बनाए रखें। अपने विचारों को लहरों के रूप में चित्रित करें। हर चीज को विनम्रता से स्पर्श करें और सकारात्मकता फैलाएं। इसके बाद स्पष्ट इरादे तैयार करें। अस्पष्ट इच्छाएं पर्याप्त बिल्कुल नहीं है, आपको सटीकता की आवश्यकता है। आपके इरादे एक कंपास की तरह हैं। वे आपको ब्रह्मांड के साथ अलाइन करते हैं, फिर कृतज्ञता को गले लगाते हैं। इस बात पर ध्यान केंद्रित करने की बजाय कि हम में कमी है, कृतज्ञता हमारे पास जो है उसे पर्याप्त में बदल देती है। यह आपको ब्रह्मांड की प्रचुर ऊर्जा से जोड़ती है, जिससे आपको अधिक प्राप्त करने के लिए असंख्य अवसर मिलते हैं। हम सभी इस ब्रह्मांड में परस्पर जुड़े हुए हैं और ब्रह्मांड लगातार प्रतिक्रिया दे रहा है। याद रखें कि ब्रह्मांड भेदभाव बिल्कुल भी नहीं करता, यह बस आपके द्वारा डाली गई ऊर्जा का जवाब देता है। इसीलिए आप सुनिश्चित करें कि आपकी ऊर्जा उन परिणामों के साथ अलाइन होती है जो कि आप चाहते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग और यूजफुल लगी होगी। अगर आप इस वीडियो में यहाँ तक मेरे साथ जुड़े रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में जाकर लिखें, द यूनिवर्स इज माय सपोर्ट सिस्टम, द यूनिवर्स लव्स मी, आई एम कनेक्टेड टू द अबंडेंस ऑफ द यूनिवर्स। जाने से पहले वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली के साथ भी जरूर से शेयर करें, और चैनल पर अगर नए हैं तो आज ही इसको सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब बटन के साथ बने बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आपकी बिल्कुल भी मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।